रूल्स ऑफ एक्सचेंज चल रहा है आपका, कहाँ तक पहुँच गए थे? सिक्स तक हो गए थे, चैप्टर नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 7. लास्ट टाइम बताया था एक बंदा ड्रॉअर होता है, कौन होता है? ड्रॉइंग ड्रॉअर वो होता है नॉर्मली जो सामान बेचता है जिसने पैसे लेने। इन द बुक्स ऑफ, कोई याद करने की कोई चीज नहीं है, सिर्फ दिमाग से सोचना इस घटना में क्या जर्नल एंट्री बनेगी। ठीक है जी, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग जी। ए ड्रू अ बिल ऑफ 1000 ऑन बी फॉर 3 months, वाज ड्यूली एक्सेप्टेड व्हाइल लेटर ए एंडोर्स द बिल टू सी इन फुल सेटलमेंट फॉर अ लाइक अमाउंट, सी एंडोर्स द बिल टू बी। तीनों की एंट्रीज में पूछी है इसने, ए ने सी को दिया, सी ने उठा के किसको दे दिया दोबारा से बी। पहले ए एंड बी पे ध्यान लगाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि 1 जनवरी 1st ईयर को ए को बिल मिला, वो क्या एंट्री करेगा? बी आर अकाउंट डेबिट, मेरे को बिल मिला, देने वाला कौन है? ठीक है, टू बी। कितने का मिला जी? 1000। बी क्या एंट्री करेगा? ए आया था, वो तो सेल बिल का तो लिखा ही नहीं ना, सीधा बिल के एंट्री। ए आया था और मैंने उसको बिल दे दिया, ठीक है जी। ए ने बिल आगे किसको पकड़ा दिया? सी को। वो क्या एंट्री करेगा बाद में? सी डेबिटेड टू बी आर, ठीक है ना, उसके पास तो बी आर है ना, इससे इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है जी। और लिखो बीइंग बिल एंडोर्स्ड टू सी बाय, अब 3 महीने बाद डेट आएगी, 3 महीने बाद सी बिल लेके पहुंचेगा किसके पास? बी के पास। तो क्या एंट्री करेगा? 4 4 3 महीने का बिल है, बिल वापस ले लिया, बिल क्या ले लिया? वापस, और पेमेंट कर, एक मिनट सोचो पहले आप, एक डेट सोच लो, 1 जनवरी को ए और बी के बीच में बिल का आदान प्रदान हुआ, बिल इसने ले लिया, उसने दे दी, ऑब्वियसली उसी डेट पे ही होगा। तो है ही नहीं है बिल्कुल, ऐसा है दो बंदे हैं ए एंड बी, ए ने पैसे लेने हैं, बी ने पैसे देने हैं, जब आमना सामना होगा तो सेम डेट पे होगा ना, जिस डेट को ए को बिल मिला उसी डेट पे उसने बिल दिया है। अब इन बिटवीन उसको क्या लगा कि ए ने सी के पैसे देने थे, वही उठा के बिल किसको दे दिया? सी को। बी की ड्यूटी कब बनती पैसा पे करने की? जिस दिन लास्ट डेट आएगी, जिस दिन लास्ट डेट आ गई 4 अप्रैल को, बिल उसने वापस ले लिया और पैसे दे दिए। अब अपने आप को सी मान लो, अगर मैं सी हूं, मैं क्या हूं? सी। इन द बुक्स ऑफ सी क्या एंट्री बन सकती है? सी किसके पास गया था बिल लेने? ए के पास। सी क्या एंट्री करेगा आते ही? कोई डेट तो दे नहीं, हम सेम ले लेते हैं, बी आर मिल गया, देने वाला कौन है? ए। हाँ ये बात अलग है कि उसकी पेमेंट बी ने कर दी, उससे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बी के पास गया, बी ने ऑनर किया, हाँ जी आओ मैंने पैसे देने, उसने पैसे दे दिए, सिंपली घर आके गारंटी करेगा पैसे आ गए, पैसे आ गए और देने दे के क्या है वो वापस बिल, दे के क्या है वापस बिल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट गोज आउट,
क्योंकि बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, बैंक क्या होता है आर्टिफिशियल पर्सन। कोई बात नहीं, कैश लिख देना यार, कोई दिक्कत नहीं, कोई नो प्रॉब्लम उसमें। मैंने नॉर्मली मैं बैंक से एंट्री इसलिए करता हूँ, आजकल जो है ना प्रूफ का है, प्रूफ रखने के लिए बैंक से वो पेमेंट करते हैं। आरटीजीएस होता है, बैंक से डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, कैश ना कैश लिखो तो कोई दिक्कत नहीं। टीचर को ओवर रूल मत करना क्योंकि पेपर चेक उसी ने करना है। मेरा लॉजिक भी समझ लो जो मैंने तुम्हें बताया, ठीक है ना। आप इस सिचुएशन में अपने आप को डाल दो, अपने आप एंट्रीज बननी शुरू हो जाएंगे कि मैं ए हूं तो क्या एंट्री करूंगा, मैं बी हूं तो क्या एंट्री करूंगा। दैट्स ऑल सिंपल सा चैप्टर है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ो, कहते हैं ए ऑड बी, ए ने बी के पैसे देने हैं, ठीक है, ए ने बी के पैसे देने हैं। ऑब्वियस है इसमें ड्रॉअर कौन होगा, बी, और ड्रॉई कौन होगा, ए। ड्रॉई कौन होगा, डेट्स वगैरह दी हूं, ध्यान से डेट्स को लेके चलना है। ये कौन हो गया, अच्छा ए ने पैसे देने, बी ने पैसे लेने, ठीक है जी। ही गेव अ बिल फॉर द सेम ऑन फर्स्ट अगस्त 2011 आफ्टर फोर मंथ, पेबल आफ्टर फोर मंथ, चांदी। इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द बिल इज एंडोर्स्ड टू सी इन फुल पेमेंट ऑफ डेब्ट एंड सी डिस्काउंटेड द बिल ऑन फर्स्ट सेप्टेम्बर, द बिल इज मेट ऑन ड्यू डेट। आराम से चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले ट्रांजेक्शन किसके बीच में हुई है, बी एंड ए के बीच में। उसको बिल मिला है 1 अगस्त 2011। अगर मैं बी हूं, मेरे को बिल मिल रहा है, मैं क्या एंट्री करूंगा, बी आर अकाउंट डेबिट टू ए। बिल कितने का है, 8000। कितने का है, 8000। और ये क्या एंट्री करेगा, बी डेबिटेड टू बीबी। बोलो यहां तक को डाउट। अब बिल किसकी पोजेशन में पड़ा है, बी। बिल किसके पास पड़ा हुआ है, बी के पास। उसने उठा के बिल किसको पे कर दे दिया, सी को। सी को कोई डेट वेट दे रखी है, सेम डे, सेम डे ही उसने क्या हो गया, क्लियर है। हाँ, बिल बी के पास पड़ा हुआ है, बी ने सी के पैसे देने, उसने उठा के वही बिल किसको पकड़ा दिया, सी को। तो वो क्या एंट्री करेगा, सी डेबिटेड टू बी आर। इस केस में ए कोई एंट्री नहीं कर सकेगा, मेरे को क्या मतलब, जिसको मर्जी बिल दो, जिस दिन लास्ट डेट आएगी मैं तो उसी दिन पे करूंगा, मैं तो हो गया उस दिन क्या करूंगा, पे, ठीक है। अब बिल किसके पास पहुंच गया है, सी के पास। सी को बिल मिला,
ए से, सी क्या एंट्री करेगा, बी आर अकाउंट डेबिट टू ए, उसके लिए तो बिल रिसीवेबल है। 1 सितंबर को उसने बिल को डिस्काउंट करवा लिया, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर। देखो 4 महीने का बिल था, एक महीना तो वैसे ही निकल गया, एक महीना तो वैसे ही निकल गया, तो डिस्काउंट कितना हुआ 8,000 का, कितने परसेंट पर डिस्काउंट करवाया उसने, 12% पर एनम फॉर 3 मंथ, 240, 7760240। इसको भी पैसे मिल गए। अब बिल किसकी पोजेशन में, बैंक की। अब बिल किसकी पोजेशन में, बैंक की। अब एक की जो पेमेंट करने की बारी आएगी वो आएगी 4 महीने बाद, 5/4/2011। बैंक का एम्प्लॉय गया, उसने बोला एक वो ये बिल ले लो, पैसे दे दो, और उसने चुपचाप बिल ले लिया और पैसे दे दिए, स्टोरी फिनिश। वो कहेगा बीपी वापस आ गया, पैसे दे, कितने का है जी 8,000, कोई शंका, ठीक है जी करो नोट। किसका एंडोर्सी याद हो गया, सी सी का बना दिया ना मैंने साथ के साथ, वो थोड़ी जगह कम थी इसलिए बना। क्योंकि यही चैप्टर ना बाद में थोड़े अच्छे लेवल के साथ रिपीट होते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे, ठीक है ना, तो अगर आपने ढंग से कर रखा होगा तो बाद में आपको दिक्कत नहीं। ये एक बहुत, हाँ बी होगा गलती से, वो शब्द वो मैंने बी है, ठीक बिल्कुल ठीक, क्योंकि सी को बिल किससे मिला है, बी से, ठीक पकड़े, ठीक है जी। चले आगे, नाइन्थ करेंगे। देखो आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हो, आपको बड़े काम होते हैं, आप ये नहीं कि बिलों का हिसाब किताब रख पाओ, तो कहीं पर ना जो बड़े लार्ज स्केल के बिजनेस होते हैं बैंक उनको फैसिलिटी देता है, बिल हमारे पास पहले ही जमा करा दो, जिस दिन डेट आएगी हम कलेक्ट कर लेंगे, जिस दिन डेट आएगी हम क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, उसी को बोलते हैं सेंडिंग द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। पहले क्वेश्चन पढ़ो,
मोहन सिंह ड्रॉज अ बिल ऑन जगत फॉर ₹1,000 पेबल 2 मंथ आफ्टर द डेट. इमीडिएटली आफ्टर इट एक्सेप्टेंस मोहन सिंह सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन. ऑन ड्यू डेट बैंक गेट पेमेंट मेक द एंट्रीज इन द ऑल द पार्टीज. ठीक है, क्लियर. दो ही पार्टी है, मोहन सिंह एंड जगत. इन द बुक्स ऑफ मोहन सिंह इन द बुक्स ऑफ जगत इन द बुक्स ऑफ जगत मोहन सिंह को बिल मिला है. मोहन सिंह को बिल मिला है जगत से. मोहन सिंह क्या एंट्री करेगा? बीआर अकाउंट डेबिट टू जगत. कितने का बिल है? मात्र 1,000. और जगत जी क्या एंट्री करेंगे घर बैठ के कि मोहन सिंह आया था, डेबिट द रिसीवर. ठीक है, मोहन सिंह डेबिटेड टू बिल्स पेबल बीपी अकाउंट. यहां तक क्लियर है? मोहन सिंह जी के पास टाइम होता नहीं है, उन्होंने फट से बिल किसको दे दिया? बैंक. बिल तो इनके यहां से निकल गया, बिल चला गया, पर एंट्री क्या बनेगी इसमें? नहीं नहीं रुक जाओ, इसमें पैसे तो मिले नहीं ना फिलहाल, तो इसको लिखने का तरीका ही हो जाता है बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट बी आर. ठीक है, गॉट इट. इससे इसको कोई मतलब नहीं है, वो तो लास्ट डेट की वेट करता है, लास्ट डेट को आना मेरे से पैसे ले जा. 2 महीने का बिल है, 3 दिन ग्रेस के जोड़ो, 2 महीने इसमें जोड़ो, लास्ट डेट पे आगे पैसे मिल गए, तो क्या एंट्री करेगा मोहन सिंह? पैसे आ गए बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक एक्चुअली बैंक ने इसके पैसे रिसीव कर लिए. टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट. ध्यान से देखो, बैंक फॉर कलेक्शन कट गया, एंट्री तो वही बनी ना, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बीआर. और ये भाई साहब क्या एंट्री करेंगे? बिल वापस ले लेंगे, लेकिन डेबिट व्हाट कम्स इन, और चुपचाप पैसे दे दे. ठीक है जी, इसका तो यही है बस. ज्यादा ध्यान से देखो, ड्राई का क्या है रूल है, बिल दे देना और लास्ट डेट पे बिल की पेमेंट कर देना, लास्ट डेट पे बिल की पेमेंट कर देना. ठीक है ना, इसी के लिए थोड़ी दिक्कत होती है, ये कभी एंडोर्स करता है, कभी डिस्काउंट करवाता है, अपने उसके हिसाब से वो उसको फॉलो. ठीक है जी, करो.
चले आए। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस पूछे हैं, एक बार सारा रिवाइज हो जाएगा कितने केसेस हम लोग कर रहे हैं। X draws on Y, duly accepted, due date, अच्छा drawer कौन हो गया X, in the books of Y, ठीक है। कहता X draw on Y a bill of 4000, एक्स को बिल मिला है, ठीक है, कहता है शो द एंट्रीज, वाई मीट द बिल ऑन ड्यू डेट, उसने लास्ट डेट पे पेमेंट कर दी है। अब इसने पूछा कि इसके बुक्स एक्स की पूछी है, चलो हम सब में कर देते हैं दोनों को, बिल मिला बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई, कितने का बिल है 4000, वाई का एंट्री करेगा X debited to BP, लो A के साथ बिल लास्ट तक रखा और इसे पैसे मिल, क्या एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू BR, लास्ट डेट पे एंट्री ये करेगा, और ये क्या एंट्री करेगा BP वापस आ गया। इसकी एंट्री तो हमेशा यही रहनी है, तो कोई मतलब नहीं आप जो मर्जी करो, ठीक है ना, इसकी बस लाइबिलिटी होती है कि बिल पे कर देना है, ठीक है। बी केस में बोलता है क्या कि उसने बिल डिस्काउंट करवा लिया 100 रुपीज, ठीक है, तो ये क्या एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट 3900, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 100 रुपए टू बी आर, टू बी आर, इससे इसको कोई मतलब नहीं, ये तो यही एंट्री करेगा सेम लास्ट। थर्ड क्या बोला, एंडोर्स कर दिया है बिल किसको जेड को, वो तो भाई उसको देखो आप अपने वो वाई मान लो, उसने तो लास्ट में पेमेंट करनी है, अब वाई आपकी लाइबिलिटी क्या है कि जब पैसे लेने आएगा वो पैसे देने, अपने पैसे दे, ठीक है, क्रॉस मार लो चाहे वो एंट्री कर लो कोई प्रॉब्लम इसमें, तो उसमें खैर वाई की एंट्रियां पूछी नहीं है, मैं तो वैसे कह रहा हूँ ये इसकी लास्ट टाइम पे क्या लाइबिलिटी होगी कि बिल वापस ले ले और पैसे दे दे, लास्ट टाइम पे जो होल्डर ऑफ बिल होगा जिसके पास बिल होगा उसको पेमेंट मिल जानी है, चाहे वो एक्स हो चाहे उसका बैंक हो चाहे उसका एंडोर्स, ठीक है जी। सी में आ जाओ, उसने बिल जेड को पकड़ा दिया, उसके देने थे उसने 4080, तो क्या एंट्री करेगा जेड, जेड डेबिटेड 4080, बिल 4000 का वापस कर दिया, इसको डिस्काउंट, इसके लिए गेन हो गया, इसके लिए क्या हो गया गेन, इसको कोई मतलब नहीं है, ये तो भैया लास्ट डेट पे यही एंट्री करेगा। अरे वो अलग अलग केस हो रहा है, ये एक ही क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन डाल दिए उसने, अगर वो बिल अपने पास रखेगा तो ये एंट्री करेंगे, अगर वो बिल डिस्काउंट करवाएगा तो ये एंट्री करेंगे, अगर एंडोर्स करेगा तो ये एंट्री, वो तो घटना तो वो एक ही घटेगी, अलग अलग केस बना के दे दी ना उसने, दे वॉन्ट टू चेक योर नॉलेज कि आपको सारी एंट्रीज आती हैं या नहीं, ठीक है। लास्ट कहते बैंक को कलेक्शन के लिए भेज दिया, तो क्या बनेगी एंट्री बैंक पर कलेक्शन अकाउंट में, टू बी आर, इसको कोई मतलब नहीं है, जब लास्ट डेट आएगी वो तो वही है, ठीक है जी, करो नोट, फिर आगे चलते हैं, नया टॉपिक शुरू होता है, तो डिस्क
अकाउंट्स प्योरली एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है ना? तो पूरा ठीक करोगे पूरे नंबर है, इसमें बीच की कोई पोजीशन नहीं होती, या तो जीरो या हीरो, सीधी सी बात है। इसीलिए पहले दिन मैंने आपको बोला जनरल एंट्री अच्छे से कैप्चर कर लेना, जनरल एंट्री आती तो कितनी आसानी से चैप्टर आपका मूव कर रहा है, कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं रही। जिसकी जनरल एंट्री स्ट्रांग होती है अकाउंट उसका हमेशा अच्छा होता है। नहीं नहीं डिस्काउंट वर्ड ही यूज करते हैं बिजनेस, एक दूसरे से जब कम पैसे लेते हैं कम तो डिस्काउंट ही लिखा जाता है। हो गया, देखो मीनिंग, लिखो मीनिंग ऑफ डिसऑनर। मीनिंग ऑफ डिसऑनर देखो, ऑनर का मतलब होता है रिस्पेक्ट होना, और डिसऑनर का मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट नहीं हुई, ठीक है ना? देखो व्हेन ड्रॉई फेल्स टू पे द पेमेंट ऑन ड्यू डेट, दिस इज नोन एज डिसऑनर ऑफ बिल। डिसऑनर ऑफ बिल उसे हम क्या बोलते हैं, डिसऑनर ऑफ बिल। जब ड्रॉई लास्ट डेट पे पेमेंट नहीं कर पाता है उसे क्या बोला जाता है, डिसऑनर। क्या बोला जाता है, डिसऑनर, ठीक है? गॉट इट? तो अलग अलग केसेस में क्या क्या एंट्री बता दूं, कर लिया आराम से समझना पहले एंट्री। बहुत समझ के करोगे तो कभी आपको एंट्री याद करने की जरूरत नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर ले लेते हैं ए एंड ड्रॉई बी, केस वन। इफ ड्रॉअर रिटेन द बिल टिल मैच्योरिटी, सारे केस इसके लिए, उसके लिए एक ही केस बनेगा, ठीक है? बिल लास्ट डेट तक किसके पास था, ड्रॉअर के पास ही था। जब ड्रॉअर बिल लेता है वो एंट्री क्या करता है, बी आर अकाउंट डेबिटेड टू बी, बिल मेरे को मिल गया, देने वाला कौन है, बी। अगर बिल उसके पास ही पड़ा हुआ है, पैसे मिल जाएंगे तो क्या एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बी आर, पैसे तो मिले नहीं तो क्या एंट्री करेगा कि बी दोबारा से मेरा डेटर हो गया, बी दोबारा से मेरा क्या हो गया, डेटर। एंट्री लिखेगा बी डेबिटेड टू
बी आर अकाउंट, बिल चला गया, बिल वापस चला। अगर पैसे मिल जाते, बिल ने तो जाना है, जिस दिन उसकी डेट आ जाएगी उसने जाना ही जाना है, पैसे मिल जाते तो क्या एंट्री करता, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बी, पैसे मिले नहीं इसे बोला अब बी दोबारा से मेरा क्या हो गया डेट, ये क्या एंट्री करेगा, बिल वापस आ गया। अभी भी मैंने अगर दे देता पैसे तो क्या लिखता है एंट्री, बीपी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, पैसे तो दिए नहीं, देखा ए आज भी मेरा क्रेडिटर है, ये होगा केस वन। इस एंट्री में डाउट है किसी, पैसे मिल जाए तो एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बी, पैसे तो मिले नहीं, वो क्या एंट्री करता, अगर पैसे दे देता तो बीपी टू बैंक, पैसे नहीं दिए इसलिए वो लिख रहा है टू ए कि आज भी मैंने ए के पैसे देने। केस टू, इफ ड्रॉअर डिस्काउंटेड द बिल विद बैंक, उसने बिल को क्या करवा लिया, डिस्काउंट करवा लिया, ठीक है, लास्ट टाइम पर बिल किसके पास पड़ा हुआ, बैंक के पास, बैंक बी के पास पैसे लेने पहुंचा, बी ने पैसे देने से इनकार कर दिया, बी ने पैसे देने से इनकार कर, बैंक भागा भागा किसके पास आएगा, ए के पास, तो सीधे बैंक को एक लीगल राइट होता है, वो सीधे आपके अकाउंट से पैसे लेस कर लेगा, तो ए के दिमाग में क्या आएगा, बी दोबारा से मेरा डेटर हो गया, ठीक है, और अब मैंने बैंक के पैसे देने, बैंक के पैसे मैंने देने, तो टू बैंक लिख देगा, बी मेरा डेटर हो गया और बैंक मेरा क्या हो गया, क्रेडिटर, सभी क्लियर है पॉइंट, बिल क्योंकि ए ने पहले ही बैंक से पैसे ले चुका है, अब बैंक को पैसे वापस करने पड़ेंगे, जिसके पैसे हमने देने तो हमारा क्या है, क्रेडिटर, इसको कोई मतलब नहीं, ड्रॉ ड्रॉ कहेगा मेरा बिल वापस आ गया, ये हर हालत में वही एंट्री करेगा, मेन रिलेशनशिप किसके साथ रखेगा, ए के साथ, ठीक है जी, ये हो गया केस टू, ठीक है, कोई शंका, समझ के देखोगे तो बहुत आसान है। केस थ्री, इफ ड्रॉअर एंडोर्स द बिल को क्या कर दिया गया है, एंडोर्स, बिल को क्या कर दिया गया है, एंडोर्स, बिल किसके पास पड़ा हुआ है, एंडोर्सी के पास, एंडोर्सी बिल लेने गया बी से, बी ने मना कर दिया, एंडोर्सी भागा भागा किसके पास आएगा, ए के, ए क्या एंट्री करेगा, बी मेरा डेटर हो गया और एंडोर्सी मेरा क्रेडिटर हो, इसको कोई मतलब नहीं है, ये घुमा फिरा के यही एंट्री करेगा, बीपी अकाउंट डेबिट टू ए, ठीक है जी। केस फोर, इफ ड्रॉअर सेंट द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन, सेंट द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन, ठीक है, उसने किस पे बैंक बिल किसको दिया हुआ है, बैंक को, तो क्या करेगा, घूम फिर कर, तो उसका मेन जोर तो बी पे चलना है ना, बी मेरा डेटर हो गया और बैंक फॉर कलेक्शन कैंसिल हो गया, बैंक फॉर कलेक्शन क्या हो गया, कैंसिल, बी सिंपली एक ही दिमाग में रख के चला, मेरे पास बिल वापस आ गया और आज भी मैंने ए के पैसे देने हैं, कोई किसी उस पर डाउट है तो पूछ लो, आएंगे उसी वक्त बताऊंगा, इसी वक्त नहीं बताऊंगा, ना मिक्सिंग हो जाएगी, बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, चैप्टर को कैसे पढ़ना ये भी बड़ी कलाकारी होती है, अगर मैं तुम्हें अभी नोटिंग जारी लेकर तुम्हारे सिर पर बैठ जाऊंगा तुम्हें उस वक्त परेशानी हो जाएगी, नोटिंग है ऑन द स्पॉट ही बताऊंगा तुम्हें सारी चीजें, वो खिचड़ी बन जाएगी, इतनी सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाएंगी ना, पहले तो आप इन एंट्रीज पे ध्यान दीजिए जो डिसऑनर की, नोटिंग जारी कोई बड़ी बात नहीं, यही कलाकारी होती है बेटा, एक टीचर आपको पहली क्लास में मैं सब कुछ बता दूंगा ना, आप परेशान हो जाओ यार क्या क्या बता दी सर ने, दिमाग में ध्यान, और जैसे आपको मोमेंटम के साथ चीजें आएंगी ना सामने क्वेश्चन आते तो बहुत आसान लगती है उस वक्त, इसलिए क्या स्टडीज कॉम्प्लिकेटेड इसलिए बनती है कि आपका पढ़ने का तरीका क्या है, अब हम जिस लेवल पे उस पर ध्यान दो कि जो हमने आज क्या सीखा है, जब आपका चैप्टर कंप्लीट होगा ना एक एक चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी, उसकी चिंता मत करो, मैं 92 से पढ़ा रहा हूं, मेरे को भी पता है कि बच्चे को कहां प्रॉब्लम होती है, कहां उसको दिमाग में टेंशन होती है, क्या होता है,
तुम्हारी क्लास में चल रहा होगा ना, तभी तुम्हें नोटिंग चार्जेस का पता है, पर वो चीज उसी वक्त बताई जाएगी अंदर, वो तो आसान कंसेप्ट है वो, देखा तो वही बचता बचता क्या उसके बाद। क्वेश्चन नंबर 11, राम राम वाला, राम ड्रॉज द बिल। अब डेट्स के साथ आया करेंगे, डेट्स का वाला चेक करो। नॉर्मली केस तो कोई एक ही लगेगा, सारे केस तो लग भी नहीं सकते है ना। बड़ा आसान, थिंकिंग ठीक रखो इसमें तो चैप्टर बहुत इजी है। ये शुरू के क्वेश्चन तो सिखाने में पड़ते हैं, सिर्फ आप डिसऑनर वाले क्वेश्चन देख के चले जाओगे चैप्टर पूरा कंप्लीट है। मान लो कल आपका टेस्ट है, अगर आपको अच्छे से किया ना, पांच से मतलब मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा आपका। ड्रॉइंग कौन है? श्याम। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट्स ऑन 15। ड्रॉ, राम ने ड्रॉ किया है, ठीक है ना। ड्रॉ का मतलब बनाना होता है, जो बिल बना होता है वो ड्रॉर होता है, वो कौन होता है? ड्रॉ। ड्रॉ ये हमेशा एक्सेप्ट करता है, ड्रॉ ये हमेशा क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। 15 सितंबर 2011 को, 15 सितंबर 2011 को राम को बिल मिला, क्या एंट्री करेगा? बीआर अकाउंट डेबिट टू श्याम, कितने का बिल है? 2000 only. ये क्या एंट्री करेगा? राम डेबिटेड टू बिल्स पेड। अगर लास्ट डेट जब आई, पैसे मिल जाए तब तो बल्ले बल्ले है, पैसे तो मिल ही गए, वही चाहता है हर इंसान। पर क्या कहता है? ऑन द मेच्योरिटी श्याम फेल टू ऑनर द बिल। ऑनर द बिल यानी उसकी ऑनर नहीं किया था उसने, तो डेट ले लो कितने महीने का है ये बिल? 3 months। 15 को 18 बनाया, 3 दिन ग्रेस के। डेट स्ट्रेट वे डेट बनाने की तो आनी चाहिए। राम के, राम जी श्याम जी के पास पैसे ले, राम ने पैसे देने से इनकार कर दिया। राम के दिमाग में क्या थॉट आएगा? श्याम मेरा दोबारा से डेटर होगा और बिल खत्म हो गया। बिल, क्योंकि जिस दिन बिल की डेट ओवर हो जाएगी वो ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाएगा। ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? फिनिश। और ये क्या एंट्री करेगा? 18/12/2011 को बीपी वापस आ गया, डेबिट व्हाट?
कम्स इन, और राम मेरा आज भी क्रेडिटर है, राम मेरा आज भी क्रेडिटर, बीइंग बिल डिसऑनर्ड। नरेशन जो लिखनी है 40% मार्क नरेशन के होते हैं, बीइंग बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, ऑन ड्यू on due date. करो नोट, अगर नेक्स्ट चलते हैं। अब नोटिंग चार्जेस के बारे में बताते हैं, नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं। होता क्या है, जब भी ड्रॉअर पैसे लेने जाता है, ठीक है, अगर मान लो ड्रॉई ने मना कर दिया, तो वो प्रूफ कैसे करेगा कि इसने मना करा था पैसे देने से, तो उसको ना एक एविडेंस क्रिएट करना पड़ता है। एविडेंस के लिए कहते हैं नोटरी होते हैं, गवर्नमेंट के ऑथराइज पर्सन होते हैं, उसको साथ लेके जाते हैं, उसको एक फीस देनी पड़ती है, तुम मेरे साथ चलो, अगर वो आपके सामने पैसे दे देगा तो वेल एंड गुड, जो नोटिंग चार्जेस का खर्चा होता है वो ड्रॉअर खुशी खुशी बियर कर लेते हैं, ठीक है। अगर वो पैसे नहीं देता, एक तो नोटिंग हो जाती कि इसने पेमेंट करने से मना कर दिया था, और वो बाद में नोटिंग चार्जेस के पैसे भी ड्रॉई देता है, नोटिंग चार्जेस के पैसे भी ड्रॉई देता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, आराम से देखना, नरेश ड्रॉअर कौन है, नरेश ड्रॉई कौन है, कैलाश, बिल्कुल आराम से चलना, कोई जल्दबाजी नहीं हमें। March 20, 2013 नरेश सोल्ड गुड्स टू कैलाश, पहले और वन बाय वन चलो, एकदम सब कुछ करने की कोशिश मत। 20 March 2013 क्या एंट्री करेगा, कैलाश डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 1250, इसने किया परचेज, कैलाश ने, वो क्या एंट्री करेगी, परचेज इज अकाउंट डेबिट नरेश, और ऑब्वियसली बिल लिया जाएगा, बीआर अकाउंट डेबिट कैलाश, ये क्या एंट्री करेगा, नरेश डेबिटेड टू बीपी, टू बी, ठीक है। कितने महीने का बिल है, बिल है और 3 महीने का, अब 3 महीने बाद डेट आएगी 23/6/2013,
नरेश जी तैयार होंगे घर से निकलने के लिए, नोटरी को साथ लेके जाएंगे, पर नोटरी को ऑन द स्पॉट पहले पेमेंट करनी पड़ेगी, जितने के चार्जेस 10 रुपए के, तो लिखेगा नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 10 रुपए खर्चा कर दिया जाते जाते उसने, भाई खर्चा तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा टू कैश अकाउंट, इससे इसको कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो ट्रांजेक्शन घट रही है नरेश के साथ घट रही है, नरेश कर रहा है, नरेश करेगा अपने बुक्स में एंट्री। पैसे लेने पहुंचा, उसने मना कर दिया कि मैं पैसे नहीं दूंगा, मैं पैसे नहीं दूंगा फिलहाल, ठीक है। तो नरेश जी के दिमाग में क्या आएगा, कैलाश जी से 1250 तो ये लेने हैं,